जिंदगी की राहों में रंगो गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंगो गम के मेले, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। बाबूजी, गाने वाला लिखने वाला पूरी जान लगा देता है, लिखने वाला जिस भाव से लिखे अगर गाने वाला उसी भाव से गा दे, और गाने वाला जिस भाव से गाए जनता उसी भाव से सुन ले, तो लिखना गाना और सुनना और दंगल का सफल होना निश्चित है। यह गीत पहली बार वृंदावन में मैंने गाया है, उसके बाद आज तुम्हारी मंच पे। कुछ लोगों ने YouTube पे सुना भी होगा, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। कमेटी वाले हो, देखो आप भी ऐसे करोगे तो जेऊ ऐसे ही करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और देश ही नहीं विदेशों में लाइव टेलीकास्ट देखा गया, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जबकि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की भी पूजा हुई, लेकिन सीता मैया को बड़ा भरोसा था कि जब जनकपुर से जो सामान आया तो हमारे भारत की कैबिनेट ने कहा इसको राम जी की ससुराल का दहेज कहा जाएगा। सीता के मन में यह विश्वास था कि जब ये दहेज मेरे पीहर का रख लिया है तो राम जी के बामांग में मेरी भी मूर्ति लगाई जाएगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। सीता मैया कनक भवन के सामने खड़ी होकर के देख रही हैं, सब राम की जय तो बोल रहे हैं, श्री राम तो हो गया लेकिन सिया राम नहीं रहा। अब आदमी जय सिया राम नहीं करते, जय श्री राम करते हैं। सीता मैया को यह विश्वास था कि अगर कोई न्याय की बात नहीं करेगा तो भारत के सनातनी जरूर न्याय की बात करेंगे, मेरी बात उठाएंगे, लेकिन हमारे सनातन के लोगों ने जयकारा जय श्री राम का लगा दिया। तो सीता मैया मायूस हो गई और राम जी से और पूरे भारत से क्या कह रही है, एक एक लाइन आप सुनेंगे आनंद आएगा। क्या ये मंदिर बन गया राम का, ये मंदिर बन गया राम का, ये मंदिर बन गया राम का, और ये खुश है भक्त तमाम, ये मंदिर बन गया राम का, और खुश है भक्त तमाम, पर बिन सीता के पूर्ण कभी नहीं होगा अयोध्या, मंदिर बन गया राम का और खुश के लोग तमाम, और पर सीता के बिना नहीं पूर्ण होगा अयोध्या। सीता मैया कह रही है अरे 500 बरस बाद मंदिर हुआ आबाद, और सनातन के लोगों अपना जोश तो बताइए, अरे 500 बरस बाद मंदिर हुआ आबाद, और सनातन के लोगों अपना जोश तो बताइए, और ओ न्याय के देवता इतना तो देवता मैं कब तक रहूंगी खामोश तो बताइए, मैं कब तक रहूंगी खामोश तो बताइए, कब तक रहूंगी खामोश तो बताइए, अरे किससे करूं
करूं फरियाद, किस किस तो करूं याद, और किस किस पे करूं अफसोस तो बताइए, किस किस पे करूं अफसोस तो बताइए, किस किस पे करूं अफसोस तो बताइए, किस किस पे करूं अफसोस तो बताइए। और पैसे से ज्यादा आदमी को तालियां जिंदा रखती हैं, पैसे से हमारे घर का चूल्हा जलता है, लेकिन आपकी तालियां हमारी धड़कनों को बढ़ाती रहती हैं। अरे किस किस पे करूं अफसोस तो बताइए। और सीता मैया कह रही है कि मैं राम ने निकारी क्यों, मैं नाम ने निकारी भक्तों आपने बिसारी क्यों, भारत के भक्तों मेरा दोस्त तो बताइए, भारत के लोगों मेरा दोस्त तो बताइए। भैया जी, हमारे बड़े भैया बैठे हैं, तब कहा सीता मैया कह रही है, मुझे लगता था कि जब मेरे पिता ने मेरा कन्यादान राम के साथ किया, तब कहा कि आज बिटिया पराई हो गई, ये बेटी पराया धन है। और जब मैं ससुराल में आई तो वहां भी कह दिया, क्या बात है, बैठ जा बेटा बैठ जा, आज ससुराल में आई तो बधू लड़किनी नित घर आई, राखव नैन पलक की नाई, वहां भी मैं पराई कर दी। तब मुझे लगता है सीता मैया की आंख में आंसू हैं, एक एक लाइन सुनेंगे। सीता मैया कह रही है, मुझे क्या लगता है हमासा के दोष क्या है मेरा जो, अच्छी दोष क्या है मेरा जो, मैं सबने भुलाई हूं। दोष क्या है मेरा जो, दोष क्या है मेरा जो, मैं सबने भुलाई हूं। दोष क्या है मेरा जो, मैं सबने भुलाई हूं। और मुझे लगता है कि मैं कल भी पराई थी, मैं कल भी पराई थी, कल भी अरे मैं कल भी पराई थी, मैं कल भी पराई थी, मैं कल भी पराई थी, और आज भी पराई हूँ। बाबूजी, राम जी के नाम की, राम जी के नाम की वो मेहंदी रचाई थी, राम जी के नाम की वो मेहंदी रचाई थी, राम जी के नाम की वो मेहंदी रचाई थी। और कनक भवन की ओर उंगली करके कह रही है सीता मैया, राम जी के नाम की ओ, 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 राम जी के नाम की, राम जी के नाम की वो मैं भी रचाई थी। और भवन की ओर इशारा करके कह रही है कि बन के दुल्हनिया एक दिन इसी घर में, बन के दुल्हनिया एक दिन इसी घर में आई थी। जब मैं दुल्हनिया बन के आई
तो मेरी सास ने भी अपने बेटे का हाथ पकड़ के दे दिया कौशल्या ने, कल्ले मेरे पास मोदी घरौनी में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, मैं अपना राम आज तेरे हाथ में दे रही हूं, आज से तेरा राम है। तब मुझे लगा रोम रोम राम के मैं हमेशा समाई हूँ, रोम रोम राम के मैं हमेशा समाई हूँ। लेकिन कल भी पराई थी कल रे, और आज भी पराई हूँ, तो से क्या है धोके चरण बाबुल ने धोके बेटा ये मान नहीं, धोके चरण बाबुल ने धोके चरण बाबुल ने कन्या दान किया था, धोके चरण बाबुल ने कन्यादान किया था। डॉक्टर साहब जिस वक्त केवट ने चरण धोए और चरण धोने के बाद में राम जी मन में सकचाने लगे मेरे पास कुछ नहीं है, तो सीता ने अंगूठी उतार के दे दी और पल्ली पार जाकर के राम जी ने उतराई दी, तो केवट की आंख में आंसू आ गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हो, मैं बेटी की ले लूं, ये बेटी की अंगूठी ले लूं। अरे राजा जनक ने एक पैर का अंगूठा धोया था तो सीता को आभूषणों से लाद करके विदा किया था, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन नीच नहीं हूं, मैंने तो तुम्हारे दोनों चरण धोए हैं, तो मैं इतना नीच हो जाऊं कि बेटी का श्रृंगार ले लूं। तो उस बात को याद दिला रही है सीता मैया, धोके चरण बाबुल ने कन्यादान किया था, धोके चरण बाबुल ने कन्यादान किया था, और वचन निभाने का साथ निभाने का वो वचन तुमने दिया था, वो साथ निभाने का वचन तुमने दिया था, और मैंने तभी मान लिया था आप हो शरीर तो मैं प्यारी परछाई हूँ, आप हो शरीर तो मैं आपकी परछाई हूँ। अब सीता मैया कह रही है आप हो शरीर तो मैं प्यारी परछाई, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं कल भी पराई थी और आज भी पराई हूँ, और राम जी मैं अगर आपसे नहीं कहूंगी तो मेरी कौन सुनेगा, कुछ तो बोलो राम अरे कुछ तो बोलो राम मुझको सब कुछ मंजूर है, कुछ तो बोलो राम मुझे सब कुछ मंजूर है। और कमेटी वाले हो सीता मैया बस इतना पूछ रही हैं कि पास ना में आ सकी मेरा कौन सा कसूर है, पास में ना आ सकी मेरा कौन सा कसूर है, कौन सा धर्म है स्वामी जो मैं ना निभा पाई। और यहीं पर छाप लगाते हुए अंतिम बंद मेरा गीत आपको अच्छा लग रहा है, धार्मिक गीत है, जैसी मंच तैसा गीत,
आखिरी वंग सीता मैया कह रही है कि समझ नहीं पाई या मेरा मुकद्दर अभागा है, ओ समझ नहीं पाई मेरा मुकद्दर अभागा है, समझ नहीं पाई या मेरा मुकद्दर अभागा है। और ये बात मैं अब तक नहीं समझ पाई कौन सी, कि जब प्रभु ने त्यागा आज इन भक्तों ने त्यागा है, अरे जब प्रभु ने त्यागा आज इन भक्तों ने त्यागा है। और यहीं पे छाप लगाते हुए हमारे अखाड़े का संचालन कर रहे हैं सत्तो शर्मा जी के छोटे भाई संजय शर्मा जी, जिन्होंने ये गीत लिखा है। एक बार मैं तालियों की भीख मांगना चाहूंगा, अच्छा लगा हो तो तालियां उनके लिए बजा दें। कि कहें संजय शर्मा में ना अपनों को ही भाई, कहें संजय शर्मा में ना अपनों को ही भाई हो, अरे कल भी पराई थी मैं, कल भी पराई थी, कल भी पराई थी और आज भी पराई हूँ।